Assalamu alaikum students, welcome to the facts of stats. Topic for discussion is index number. Introduction. An index number measures the relative change in price, quantity, value or some other items of interest from time period to another. In fact, index number kya karta hai, relative change measure karta hai with respect to time of commodities, prices ko measure karta hai, quantity ko measure karta hai. For example, aaj se hum 20 saal pehle ya 10 saal pehle hum measure karna chahte hain ki gold prices kya thi aur ab kya hai. It means we are wanted to measure the relative change in prices of gold. A simple index number measures the relative change in one or more than one variable. Simple index number kya measure karta hai, relative change in one or more than one variable. Definitions. An index number is a statistical measure designed to measure the change in a variable or a group of related variables with respect to time, geographical location or other characteristics such as income, profession, etc. Index number ki definition hai ji ki index number measure karta hai change ko with respect to either single variable ho ya group of variable ho with respect to एरिया वाइज उनके लोगों की प्रायोरिटीज क्या है उसके लिहाज से. या इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट. एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर मेजर डिजाइन टू शो द चेंज इन वन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ओवर अ टाइम विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल लोकेशंस. We can say that the index number are the economic barometers to judge the inflation. Inflation kya hota hai? Change in prices. Kimton ka badhna aur badhte chale jana. And deflationary ki kimton ka kam hona. Reduction in the prices of commodities. Tendencies of economy. They help the government in adjusting its policies in case of inflationary situations. Aur index number se hi government check karti hai ki either our prices should move upward or move in downward. क्या हमें प्राइसेस मार्केट में बढ़ा देनी चाहिए या रिड्यूस कर देनी चाहिए. करैक्टरिस्टिक्स क्या है जी इंडेक्स नंबर की. इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज टू शो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव चेंज. हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि रिलेटिव चेंज को मेजर करता है कितना इंक्रीमेंट हुआ या कितना डाउनवर्ड गया. एंड इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज. दे मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स. इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंज विच आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल. उस चेंज को मेजर कर सकता है जिसको हम नॉर्मली मेजर नहीं कर पाते. द कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इन लेवल और बिजनेस एक्टिविटी इन अ कंट्री आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट इट इज द पॉसिबल टू स्टडी द रिलेटिव चेंज इन दीज एक्टिविटीज बाय मेजरिंग द चेंज इन द वैल्यू इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑब्लिक फैक्टर्स विच इज अफेक्ट दीज एक्टिविटीज. कि हमारे मुल्क में आइदर प्राइसेस आर मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड. यूजेस क्या है इंडेक्स नंबर के. इंडेक्स नंबर यूज इन फॉर कॉस्टिंग. हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले फॉर कॉस्ट कर सकते हैं कि हमारे इन कैश इनफ्लोस कितने इनवर्ड होंगे कितने आउटसाइड जाएंगे. प्राइस इंडेक्स नंबर शोज द चेंज इन प्राइस ऑफ लेवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड मेट्रोलॉजी एक्सटेंसिवली यूज इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर जो है वो लेबर इंडस्ट्रीज लाइक कॉमर्स मेट्रोलॉजी में एक्सटेंसिवली यूज होता है. ये हमारे ट्रेंड और टेंडेंसीज को शो करता है. इंडेक्स नंबर कॉल्ड इकोनॉमिक बैरामीटर टू जज द इन्फ्लेशन और डीफ्लेशनरी ट्रेंड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर. हाउ कैन यू क्लासिफाई एन इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर की दो मेजर टाइप्स हैं. अनवेटेड इंडेक्स नंबर वेटेड इंडेक्स नंबर. अनवेटेड में सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव. वेटेड इंडेक्स नंबर में वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेड एग्रीगेटिव में लेस्पियर मेथड पाशेस बाउलेज मेथड फिशर आइडियल इंडेक्स मार्शल एडवर्थ एंड कैलिस मैथड. इन सिक्स मैथड्स में ये जो दो मैथड्स हैं बाउलेज एंड कैलिस मेथड आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है. बाकी सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है जी. प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंज
in price over a specified period of time. एक मखसूस टाइम में जो कीमतों का बढ़ना होता है उनमें जो डिली है उसको हम मेजर करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर के साथ. लाइकवाइज द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. एज द नेम सजेस्ट दीज इंडिसेस अटेम्प्ट टू मेजर मेजरिंग द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज लाइक गुड्स प्रोड्यूस्ड और गुड्स कंज्यूम्ड. दो तरह की हमारी गुड्स हैं जी, अदर गुड्स प्रोड्यूस्ड और गुड्स कंज्यूम्ड. देन वैल्यू इंडेक्स. These pertain to compare the change in monetary value of imports and exports, production or consumption of commodities. Value index number in factors pe kaam karta hai. Next number, the various practical difficulties involved in their computation. The index number are never 100% correct. 100% ye theek nahi ho sakta, theek hai. More than 90% indication according to market reliable hai, but not 100%. There are no all purposes index number. The index number prepared for one purpose cannot be used for other purpose. Ek maqsad ke liye conduct kiya gaya index number other purposes ke liye helpful nahi ho sakta. Index number cannot reliable used to make international comparisons. और इंडेक्स नंबर इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए रिलायबल टूल नहीं है. इंडेक्स नंबर मेजर्स द ओनली एवरेज चेंज एंड इंडिकेट ओनली ब्रॉड ट्रेंड्स. दे डू नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. जो जनरल ट्रेंड्स हैं उनसे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं ले सकते क्योंकि उनका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है. एक्सप्लेनेशन. फॉर एग्जाम्पल प्राइस इंडेक्स इज 125. इट मीन्स दैट price level in the current year is 125% of the price level in the base year. 25% increment hai. Average price level in 1990 is double the average price level in 1980s. Means that the number of price of 1990 with the base 1980 is 200. Ki agar 1980s mein let's say chini ki price 100 rupees per kg thi to 1990 में वो 200 रुपीज होगी. ओके, दो गुना इंक्रीमेंट. और थर्ड से अभी ये है कि इंडेक्स नंबर फॉर 1995 विद द बेस 1970 इज 325. मींस एवरेज प्राइस लेवल हैज इंक्रीज्ड बाय 225. अंडर लेस कर लिया दैट रिमेन्स 225% फ्रॉम 1990 to 1995. मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर. सबसे पहले इंडेक्स नंबर अनवेटेड एंड वेटेड. अनवेटेड में क्या जाते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. और वेटेड में वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. इट इज द कमोडिटीज इन द करंट ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट प्राइस इन द बेस ईयर. P1 बाय P0 मल्टीप्लाई 100. P1 क्या सिग्मा, प्राइस इन करंट ईयर, और P0 प्राइस इन बेस ईयर. देन सैल्यू ये जी कि टेबल गिवन है जिसमें यूनिट्स क्या क्या गिवन है भाई. क्वांटिटीज क्या है, शुगर है, मिल्क है, ऑयल है, वीट है, क्लॉथिंग है. उनके यूनिट्स है क्विंटल. क्विंटल आप ये नया यूनिट है. सो 1 टन इज इक्वल्स टू 10 क्विंटल. 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg. 1 क्विंटल 100 kg का होता है. एंड 1 kg ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर 1000 ग्राम. एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. From the data given below, construct the index number for the year 2007 on the base year 2008 in Punjab. ये मैं कुछ एक table given है और इसमें मैं index number construct करना है. Let's start it. सबसे पहले जो base year है वो ये, that is 2007 P0, और current year क्या है 2008. Formula क्या है, sigma P1 by P0 multiply 100. तो P0 का sigma सम कितना आता है 3236 और सिग्मा P1 4351. बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला आंसर इज 134.45. व्हिच मींस द प्राइस इन 2008 वर 34.45 हायर देन प्रीवियस ईयर. जो आंसर आएगा उसमें से 100 लेस करेंगे तो एग्जैक्ट डिजिट आ जाएगा, दैट इज 34.45. सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड. सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड क्या है जी, द करंट ईयर प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइस रिलेटिव ऑफ द बेस ईयर प्राइस.
P1 by P0, that is price relative multiplied by 100 divided by number of commodities. ठीक है जी, अगर इसी में हम ज्योमेट्रिक में अप्लाई करते तो क्या होता, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सिग्मा लॉग ऑफ P1 P0, सिग्मा P1 by P0 multiplied by 100 over N, यहाँ पे क्या आता है log of P0, और इस तरह के क्वेश्चन इंटायरली टाइमली कैलकुलेटेड होते हैं, सो ड्यूरिंग इंडेक्स नंबर यू शुड मेजर और चेक योर टाइम ऑफ सर्टेन क्वेश्चन, दिस एवरेज कुड बी यूज्ड आइदर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और इवन मीडियन एज एन एवरेज, और मीडियन के न्यूमेरिकल आते भी हैं आपके फेडरल बोर्ड क्वेश्चन के. From the data given below, construct the index number 2008 taking 2007 by using arithmetic mean as a mean. हमारे पास दो डाटा गिवन है जी, ये कमोडिटीज है P1. इंडेक्स नंबर यूजिंग अरिथमेटिक मीन, हमने इस पे अरिथमेटिक मीन अप्लाई कर दिया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव. P1 by P0 multiply 100, 10 by 6 multiply 100, 166.7. In the same way, 2 by 12 multiply 100, 16.67. इन सबको ऐड कर लिया तो 603.37. By putting the values in this formula, P01 is 120.63. Now, weighted index number. Weighted index. These indexes are the simple aggregate type with the fundamental difference that weights are assigned to the various items calculated in the index. First of all, Lespier method, Pashis, Fisher IDA index, and Marshall Edgeworth. These four methods are weighted index number, which we use to measure the weighted index number. First of all, Lespier, 1971, sigma P1 Q0 by sigma P0 Q0 multiplied by 100, Pashis, a German statistician, in 1874, he derived this formula, sigma P1 Q1 by sigma P0 Q1. और इस मेथड को हम बेस ईयर मेथड इंडेक्स भी कहते हैं और इसको हम करंट ईयर इंडेक्स भी कहते हैं. देन फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशेस, P1 लेस्पियर इनटू पाशेस मल्टीप्लाई बाय 100. देन मार्शल एजवर्थ, मार्शल एंड एजवर्थ आर टू स्टैटिस्टिशियन हु ड्राइव दिस फार्मूला, सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 by sigma P0 Q0 plus P sigma P0 Q1 into 100, where Q refers to the quantities of the year which is selected as a base. It may be any year, either base year or current year. Okay, or P1 kya show kar rahi, price of current year. Then hamara example hai ji jisme hame kuch items given hain, beef, mutton, chicken prices, ye base year और ये इनका करंट ईयर और ये इनके साथ इनकी प्रोडक्शंस. ठीक है जी, और वी हैव टू फाइंड लेस्पियर, पाशेस एंड फिशर. देन फर्स्ट ऑफ ऑल के हमारे फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट क्या है जी, ये पी नॉट क्यू नॉट आ गया था प्रीवियस स्लाइड, पी नॉट और ये उसके बाद ये P1 और ये Q1. By putting the values, P0 ये आ गया, Q0 ये आ गया, फिर price जो दोबारा आ रही है, that is P1, Q0 production, Q1, और अब formulas के मुताबिक P0, Q0 for less beer, और P1, Q0 ये आ गया, P1, Q1 for pashes, for pashes base. इन दोनों को multiply किया, P0, Q0 को, तो ये आ जाता है 75. इसी तरह से P1 एंड Q1 2600, दैट इज 12,000. इन सबको ऐड अप कर लिया तो ये हमारे इनकी टोटल आ गए. बाय पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूलाज, लेस्पियर सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100, बाय पुटिंग द वैल्यूज दिस 122.66, पाशेस 122.84, फिशर. अब चाहे हम ओरिजिनल वैल्यूज को पुट करें ओके, या इन दोनों का हम ज्योमेट्रिक मीन ले लें, आंसर विल बी 122.69. एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इन वेटेड
average of price relative. The price relative for the current year are calculated on the basis of base year. The price relatives are multiplied by the respective weights of items. Weighted arithmetic mean of price relative. P01 sigma W to I by sigma W. I care price relative or W care P naught Q naught, that is weight. Chain index number. When this method is used, the comparison are not made with the fixed base. Rather, the base changes from year to year. Chain, likewise the chain of bike or neck chain, her previous year act as a base year. Okay. Chain indices for the current year. Average link relative link, average link of current year multiplied chain index of previous year divided by 100. Example, वापस ये numerical data given है, year और prices. Now, solution, price क्या क्या given है, 2678. First of all, हम इसका link relative calculate करेंगे. पहले साल का link relative हमने 100, assume कर लेने कि 50 by 50, multiply by 100, 50 से cancel हो जाते हैं, 100 आ जाते हैं. और chain भी इसका 100 ही आ जाता है. Then, 2007 के लिए 60 by 50, इससे इसका previous year divide होगा और multiply 100, that is 120. Then 2008 के लिए 65 by 60 multiply 100 is equals to 108. Now, chain indices, pehla as it is 100, then 100 multiply 120 divided by 100, क्या आता है 120. इसको इसके साथ multiply करेंगे, divide करेंगे 100 से, and 100 into 120 by 100, that is 120. 120 into 108 by 100, that is 129.6. If you have any query, you can email me at this ID.